हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष नोटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे। थोड़ा इस बार वीडियो अपलोड करने में काफ़ी समय लग गया है, काफ़ी समय बाद अपलोड कर रहा हूं मैं। तो आज जो हम पैटर्न सीखेंगे, राजस्थानी फोक में भी आता है, इसे घूमर बोलते हैं, 8 मात्रा का ही है। थोड़ा इसका बजने की जो इसकी जो टेक्निक है थोड़ा चेंज है अलग से। काफ़ी कमेंट्स भी मेरे लिए आ रहे थे इस पैटर्न के लिए कि अपलोड करने के लिए। तो इसमें जो इसमें सबसे ज़्यादा जो बजाया जाता है वो आज उसकी चर्चा हम करेंगे। बाकी इसमें जो प्रकार हैं कुछ और जो बजाए जाते हैं इसमें जो मिलके इसके बीच बीच में, या फिर जो थोड़ा कट पिकअप जो लगाए जाते हैं या थोड़ा चेंज होकर जो बजता है वो, इसका एक 2 पार्ट बनाऊँगा मैं इसके बाद। तो इसमें सिर्फ मुख्य जो ठेका है और थोड़ा सा उठान या फिर जो रखने का तरीका है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। बाकी इसमें जो और बीच में जो बजाया जाएगा वो मैं नेक्स्ट टाइम जब इसका 2 पार्ट बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो फिर उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे घूमर में जो पैटर्न बजाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, पहले तबले पे फिर ढोलक पे। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बजाया जाता है। ये राजस्थान का एक फोक है, राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है बजाने में, बहुत सुंदर जो लगता है, घूमर इसको बोला जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे सिंपल उठान ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई बड़ा उठान लो या ऐसा कुछ, क्योंकि ये बहुत अच्छा और साफ सुथरा मीठा बजने वाला फोक है, ठीक है। तो सिंपल आपने किस तरीके से उठाना है इसको, ठीक है, सिंपल खुला बेस। यहाँ जैसे तीन तीन ती हम बजाते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो बार से किस तरीके से, ये इस तरीके से हमने इसको शुरू में बजाना है उठाने के लिए, ठीक है। इसके बाद ठीक है, देखो ये बज किस तरीके से रहा है, ठीक है। शुरू में जो बेस लगा रहे हैं हम सिंपल धा धा, दो बार धा धा धी, ठीक है, धी पे भी धा धा धी, धी पे हम स्लिप कर रहे हैं बेस आगे, ठीक है, धा धा धी ना ती धी, ठीक है, धा धा धी ना ती धी, ठीक है, धा धा धी ना ती धी, धा धा धी पे हम बेस स्लिप कर रहे हैं और दूसरा वाला जो धा लग रहा है धी सिंपल प्लेन, ठीक है। किस तरीके से धा धा धी ना ती धी, धा धा धी ना ती धी। अब धी कहाँ से बजा रहे हैं, धा धा इस वाली उंगली से, जैसे ताता साइड में बजाएंगे बेस सिंपल लगेगा, धा धा धी, ठीक है, धा धा धी, धी पे बेस आगे चला जाएगा जो तीसरे नंबर पे जो धी आया हुआ, ठीक है, धा धा धी, धी पे बेस स्लिप होगा आगे, धा धा धी ना ती। अब देखो ना यहाँ से बज रहा ती, हमने यहाँ से बजाना है, ठीक है, तबले पे धा धा धी ना ती, ठीक है, धी, फिर धी धी वाला जो आएगा वो सिंपल आएगा धी, धा धा धी ना ती धी, फिर खाली में, ठीक है, धा धा धी ना ती धी धा धा, ठीक है, धा सिंपल, फिर धा ता धा ता ती ना ती ती, ठीक है, धा ता ती ना ती ती ना ती ती। शुरू से देख ले, धा धा धी ना ती धिट, धा धा धी ना ती धिट, धा धा धी ना ती धिट, धा धा धी ना ती धिट। अब इसमें नोट करने वाली चीज भराव के लिए क्या लगा रहे हैं हम, धा धा धी ना ती, ती पे जो है गे का भी यूज हो रहा है, ठीक है, धा धा धी ना ती धिट, ठीक है, धा धा धी ना ती धिट, ती पे हम गे का भी यूज कर रहे हैं इसके भराव के लिए, ठीक है, धा धा धी ना ती धी, धा धा धी ना ती, ती पे, ठीक है, ती, धा धा धी ना ती धी, धा धा धी ना ती ती। शुरू से देख लें किस तरीके से, धा धा धी ना ती धी, धा धा धी ना ती ती, धा धा धी ना ती धी, धा धा धी
बिल्कुल स्लो में देख लें इसको, ठीक है, धा धा, ठीक है, धी ना टी टी ट, धा धा टी ना टी, ठीक है, फिर टी ट, धा धा धी ना टी धी ट, धा धा टी ना टी टी ट, धा धा धी ना टी धी ट, धा धा धी ना टी टी ट, धी ना टी धी ट, धा धा टी ना टी टी ट, धा धा धी ना टी धी ट, धा धा टी ना टी टी ट, इस तरीके से ये बजाया जाएगा, ठीक है। राजस्थानी फोक में इसका बहुत यूज होता है। बाकी इसमें जो और जो प्रकार हैं वो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें बता दूंगा। जैसे कि यह है, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा मैं। फिलहाल इसमें जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ सिंपल ठेका है, ठीक है। इसको आप देख लें एक बार फिर से बिल्कुल स्लो टेम्पो में, धा धा धी ना टी धी टी, ठीक है, टी पे भी ये लग रहा है, आपने बार बार में इसलिए बता रहा हूँ कि आप नोट करें, ठीक है, धा धा धी ना टी धी ट, धा धा टी ना टी टी ट, ठीक है, धा धा धी ना टी धी ट, धा धा टी ना टी टी ट, धा धा धी ना टी धी ट, धा धा ना ती ती ट, धा धा धी ना ती धी ट, धा धा ती ना ती ती ट, ठीक है, ये इसके बोल हैं। और इसकी आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर इसका जो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें इसका जो बीच में जो मैंने बताया आपको बीच में बजने वाले जो प्रकार हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। पहले आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और समझ लें अच्छे से, ठीक है, इसका पहले ठीक से रियाज कर लेंगे, बेस किस तरीके से लग रहा है, चांटे का ये चलन किस तरीके से हमने रखना है, जिससे कि इसका फ्लो टेम्पो भी बढ़ जाए, ठीक है, और भराव से भी बजे अगर आप बजाएं अच्छा भी लगे बजने में, तो उस सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसको अच्छे से रियाज करें, टेक्निक देखें किस तरीके से हमने इसको बजाना है, ठीक है। इसको धमाल भी बोलते हैं, धमाल और घूमर भी बोलते हैं, ठीक है, धमाल, धा धा धीना ती ती ती, धा धा धीना ती ती, धा धा धी ना ती ती ट, 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 धा। अब इसको बजने में किस तरीके से लगेगा थोड़ा सा ठेका ठेका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, किस तरीके से, जैसे शुरू में वैसे आप एंड में इसको रखने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। मेन है ठेका, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें और उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब थोड़ा सा ढोलक पे भी देख लेते हैं, ढोलक पे किस तरीके से बजेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ढोलक पर भी देख लेते हैं, ढोलक पे किस तरीके से बजेगा। उससे पहले जो फ्रेंड्स नए देख रहे हैं चैनल पर, जो पहली बार आए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी करें आगे, ठीक है, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो साइड में जो घंटे का जो निशान है उस पर क्लिक कर दें, ठीक है, जिससे जो भी वीडियो आने वाले टाइम में जब भी अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ढोलक पर किस तरीके से हमने इसको बजाना है। जैसे तबले पर है वैसे ही सेम ढोलक पर, ये सेम जैसे हमेशा बताता हूँ मैं, ठीक है, जैसे जिससे आपको बेस प्रॉपर दिखाई दी जाए, तबले और ढोलक में बेस का लगभग सेम ही यूज होगा, ठीक है। और जो चाटी है उसमें थोड़ा डिफरेंट ये आ जाएगा, वो उंगली नहीं टिकानी है सिंपल, ठीक है, इस पर भी उसी तरीके से बताया मतलब बजाया जाएगा जैसे तबले पे, लेकिन तबले पे फिंगर टिकी हुई रहती है, ढोलक में थोड़ा आपने हाथ फ्री रखना है बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से सेम है पैटर्न शुरू में जैसे, ठीक है, धुमता था धुमता, ठीक है, खुला धुमता था धुमता था, इस तरीके से धुमता था, का भी आपने यूज करना है ताकि साथ में धुमता था, ठीक है। अब फिर
राधा धीनाते ठेठ, राधा धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ, राधा धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ। स्लो में देख ले, राधा धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ, राधा धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ, राधा धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ। स्लो में देख लें फिर, राधा धीनाते ठेठ, ठीक है, फिर दाता, ठीक है, धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ, दाता धीनाते ठेठ। इस तरीके से आपने इसको बजाना है, ठीक है। सेम ही है लगभग, बाकी इसकी जो नेक्स्ट टाइम जो मैं फिर वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है, इसके जो और चलने वाले जो प्रकार हैं, ठीक है। इस तरीके से एक बार फिर से देख लें किस तरीके से बजाया जाएगा। धाधा धीनाते ठेठ, धाता धीनाते ठेठ, 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 धाधा धीनाते। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका यूज करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। बाकी जो चीज़ समझ में नहीं आई हो या आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई या फिर, तो आप मेरे लिए कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझाने की जो चीज़ समझ में नहीं आई हो। बाकी बोल मैंने जैसे लिखे हुए हैं, आप कोशिश करें इनको समझने की, और बजने की जो टेक्निक है वो साथ साथ बता देता हूँ मैं कि किस तरीके से बजेंगे, ठीक है। आप वीडियो को देखें, मैंने स्लो काफ़ी स्लो करके बताया हुआ, अगर उससे भी आपने स्लो देखना है तो इसमें ही यूट्यूब में एक फंक्शन होता है साइड में, आप जो थ्री डॉट है उस पर क्लिक करें, नीचे जाके आप इसकी स्पीड और घटा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऑप्शन आता है वहाँ स्पीड स्लो करने का, तो आप और स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बजेगा, ठीक है, स्लो स्पीड में। तो इसका अच्छे से रियाज करें। नेक्स्ट टाइम जो इसका मैं पार्ट टू अपलोड करूँगा उसमें जो इसमें बीच में बजने वाली कुछ चीज़ें हैं वो भी उस वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसका अच्छे से रियाज करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तबला ढोलक सीखें को और दबाएं बेल आइकन भी, जिससे आप पा सकें हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।